शहर के आजवा रोड स्थित एकता नगर में एकता नगर चैरिटेबल हेल्पिंग ट्रस्ट द्वारा 10वें सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। शहर के आजवा रोड स्थित एकता नगर में 10वें सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। एकता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाते वैसे सामूहिक विवाह के तहत इस वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया था, जिसमें 11 जितने युगलों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करते हुए इस मौके पर शहर मुस्लिम के आगेवान वैसे भोलू बापू खादिम मस्तान बाबा दरगाह के चुनी गढ़ी हाजिर रहते हुए युगलों को आशीर्वाद दिए थे। साथ ही इस कार्यक्रम में मनीषा बेन वकील सहित कई महानुभव उपस्थित रहते हुए तमाम नव दंपतियों को आशीर्वचन देने के साथ उनके नए सांसारिक जीवन की शुरुआत करते हुए शुभकामना दी गई थी। मोहम्मद मियां और मोहम्मद आज आजवार और एकता नगर खाते की वकालत ने समूह लगन का आयोजन रखा है, तो उसमें आज हमने 11 जोड़े रखे हैं और इसके पहले हम 9 समूह निकाह कर चुके हैं। ये हमारा 10वां समूह निकाह है। इस समूह निकाह के अंदर हम बच्ची को मतलब पूरे रसोड़े के आइटम और पलंग तिजोरी उसका मतलब जीवन जरूरत की हर चीज उनको मुहैया कराते हैं। और इस बार हमने एक रकम भी बच्चियों को दी है जो पैर के पायजब वो दी है। और पूरे विस्तार वाले के सब पूरे आगेवान पूरे सब हमारा दोस्त पूरी कमेटी ये सब मिलके हर साल ये इसका हम समूह का आयोजन करते हैं। वो इस आयोजन करने का बस हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी गरीब और कर्जे के अंदर उसके अंदर वो मुक्त लाना हो जाए, तो वो समूह के अंदर आएगी तो उसका एक रुपया भी उसका खर्चा नहीं होगा और उसको हम घर गृहस्थों की हर हर चीज हम उनको देते हैं। इन दोनों शहादत के अंदर जो यहाँ के हमारे आज एकता है चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जिन्होंने खिदमत 10वां समूह लग्न आयोजन करवाने से आज के अध्याय जोड़ो समूह निका से अत्यार सुधी में आज 10वां समूह निका सुधी हमें 200 छोकरी ना समूह निका में निकाह पड़ाया छे। અને એવી છોકરીઓ કેવા છોકરાઓ હોય કે કોઈના ફાધર ના હોય, કોઈની મધર ના હોય, કોઈના બાપ ભાઈ ના હોય, એવા ગરીબ અને અનાજ બાળકોના સમૂહ લગ્નમાં અમે નામ જોવાતા હોય છે અને સમૂહ લગ્નમાં અમે એટલું સરસ આયોજન કરતા હોઈએ છીએ કે એમને અહેસાસ ના થાય કે ભાઈ અમે આજે ગરીબ છીએ અને અમને સારી રીતે અમારું સલગ્ન ના થયું, એમને માન થાય અને પૂરું સન્માન બને એ રીતના અમે એમને આ સમૂહ લગ્નમાં એમનું સ્વાગત કરીને અમે સારી રીતે અમને આપતા હોઈએ છીએ અને સુવિધા આપતા હોઈએ છીએ। લગભગ 56-57 જેટલી વસ્તુઓનું અમે દેહદાન બી આપ્યું છે, સારી સારી વસ્તુઓ, સારી સારી ટકાઉ અને મોંઘી વસ્તુઓ, ચાંદી ને જાંજર પણ અમે એમાં આજે ટ્રસ્ટ કરીને ઉમેર્યું છે। તો આવી ગરીબ છોકરીઓનું સમૂહ લગ્ન સારી થાય અને આવા પ્રસંગમાં આપ સૌ મીડિયા વાળા અને જેટલા બી વિમાનો અમારા ડોક્ટર ઇન્દ્રભાઈ પટેલ, પ્રફુલ્લાબેન ગેરવા, નૈતિકભાઈ શાહ, ગણેશાબેન વકીલ અમારા એમએલએ બધા આવ્યા, એ બધાનો અમે સહકાર અને આપ બદલ આભાર માને છે અને વિસ્તારના જેટલા બી આગેવાનો એમાં ઉપસ્થિત થઈને જેટલા બી લોકો કામ કરી રહ્યા છે બધાનો તન મરણ ગંધી અમારા સહકાર આપે છે એ બધાને અમે સ્વાગત કરીએ છીએ। થેન્ક યુ।